लेकिन ये अध्यादेश जब संसद के अंदर आएगा तो संसद में, लोकसभा में तो बीजेपी की मेजोरिटी है, लेकिन राज्यसभा के अंदर बीजेपी के मेजोरिटी नहीं है। 238 में से 93 केवल बीजेपी के हैं। तो अगर सारी नॉन बीजेपी पार्टियां मिल जाएं तो इस अध्यादेश को हराया जा सकता है, इसे गिराया जा सकता है। और अगर ये अध्यादेश गिर गया तो आप ये मान के चलिए कि 2024 का सेमीफाइनल हो जाएगा। राज्यसभा के अंदर अगर इनका अध्यादेश बिल नहीं बन पाता और हार जाता है, पूरे देश में बहुत स्ट्रांग मैसेज जाएगा कि मोदी सरकार दोबारा नहीं आ रही है। मेरी अभी इसमें काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई माननीय अखिलेश जी से, और मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, दिल्ली के लोगों की तरफ से, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की तरफ से अखिलेश जी का और उनकी समाजवादी पार्टी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि राज्यसभा के अंदर जब आएगा तो पूरे समर्थन करेंगे दिल्ली वालों का और इसका विरोध करेंगे। मैं उनको भरोसा दिलाता हूँ कि दिल्ली का अध्यादेश जो आया है वो एंटी डेमोक्रेटिक है। इस ऑर्डिनेंस की जो सोच है वो एंटी डेमोक्रेटिक है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि समाजवादी पार्टी का पूरा साथ आपके साथ है। साथ ही साथ जो आप अच्छा काम कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वो भारतीय जनता पार्टी को रास नहीं आ रहा। अच्छे काम को बिगाड़ने का काम देश में अगर कोई काम कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और आपके अच्छे काम को और अच्छी सोच को देख करके घबरा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि दिल्ली की जनता कहीं साथ बटे सन्नाटा ना कर दे बीजेपी को, इसलिए आपके खिलाफ ये ऑर्डिनेंस लाया है। मैं आपका सहयोग करूंगा, साथ दूंगा, हमारे जितने भी सदस्य हैं वो आपके साथ।